सनग्लास का एक्चुअल उसका जो कलर होता है, लेंस का जो कलर होता है, उसमें हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा कस्टमर को, ये हमें उसको समझाना है। तो ये चीज़ कस्टमर को नहीं पता होती है। तब प्रोटेक्शन देता है हमें, सन से प्रोटेक्शन देता है, हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है, वो ये टिंट, वो जो सनग्लास का लेंस है वो काम करता है। तो अभी हम देखेंगे टिंट और उसका पर्पस, कि ये जिस कलर का वो सनग्लास है, जिस टिंट का वो लेंस है, उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे फैमिलियर नाम है रेबेन, रेबेन में आता है G15 लेंस। अब G15 लेंस क्या है? तो G15 लेंस ये एक ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर और उनका एक 15 का फॉर्मूला है। तो G15 क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ग्रीन, एक हरा और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन को G15 कहा गया है, जो काफी कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अगर कूलिंग अगर किसी को अगर चाहिए तो G15 से बेहतरीन कूलिंग कोई सनग्लास नहीं देता, कोई लेंस नहीं देता है सनग्लास का। ए गुड ऑप्शन ऑफ सनग्लास टू रिड्यूस ग्लेयर एंड रिड्यूस द आई स्ट्रेंथ, ब्राइट लाइट को पूरा कम करता है और वो रिड्यूस भी ग्लेयर करता है। इसलिए रेबेन के मोस्ट ऑफ एविएटर वेफेयर रेबेन का हर जगह आपको देखेंगे तो G15 लेंस मिलेगा उसमें, क्योंकि वो कूलिंग ग्लासेस हैं, काफ़ी अच्छे हैं और बेहतरीन भी है। सेकेंड टिंट है ब्राउन। तो आफ्टर ग्रे, आफ्टर ग्रीन एंड ग्रे, एक ब्राउन टिंट है जो सबसे ज़्यादा सनग्लासेस में चलता है। अभी देखिए, इस हमें कस्टमर को जब हम वैल्यू ऐड करेंगे, हम उसकी बेनिफिट की बात करेंगे कि आप ये वाला लेंस दीजिए, ये अच्छा दिख रहा है आपके चेहरे, बट आप ये वाला लेंगे, आपका पर्पज ऐसे ऐसे सॉल्व होना है। तो जिस तरीके से हम अब पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें आपको बताना है। अगर ब्राउन टिंट सनग्लास है या कस्टमर को हमें ब्राउन टिंट देना है, तो उसको हमें ये जनरल पर्पज बताने होंगे कि ब्राउन लाइट जो है, ब्राउन लेंस, वो इट एब्जॉर्ब द ब्लू एंड हायर पोर्शन ऑफ येलो देन कॉमनली यूज्ड, इम्प्रूविंग कॉन्ट्रास्ट। अब ब्राउन ग्लास आप देखेंगे तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता है। जनरली शाम के वक्त, इवनिंग में हमें एम्बर कलर लेंसेस या ब्राउन टिंट अगर देते हैं तो उससे उसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है। लो लाइट कंडीशन में भी ये लेंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। स्मोकी डेज, अब देख सेकेंड पॉइंट है, कॉमनली यूज टू इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट ऑन ब्राइट हेजी एंड स्मोकी डेज। स्मोकी डेज है, फॉग है, थोड़ा सा धूप कम है, बट हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो ये ब्राउन लेंस इंक्रीज करेगा। सो इट इज़ अ एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट एनहांसिंग फिल्टर, वेरी मच सुटेबल फॉर सन प्रोटेक्शन। सन से प्रोटेक्शन मिलेगा प्लस आपका कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज करेगा, ब्राउन लेंस कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेगा, ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। इट इज़ द एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट एनहांसिंग फिल्टर। ग्रीन टिंट मटेरियल इज फिरो ऑक्साइड मटेरियल। अब ये ग्रीन टिंट क्या होता है, ग्रीन टिंट क्यों यूज होता है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलर बार। अर्लियर पॉपुलर मिलिट्री एंड पायलट ये लोग ज्यादा यूज करते थे। इट एब्सॉर्ब्स अ गुड इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, हमने सुना इंफ्रारेड, ये यूवी के आगे के रेज होते हैं जो वो भी एब्जॉर्ब करता है ग्रीन टिंट। अभी जैसे ये सारे कलर का अलग अलग बेनिफिट क्यों है, जैसे हमने देखा लाइट में भी 7 कलर होते हैं, लाइट में जैसे 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, रेड, तो उसी हिसाब से जिस हिसाब का फिल्टर हम लाइट के सामने लगाएंगे वो उस पर रिएक्ट करता है। हमने G15 लगाया ग्रे ग्रीन का, तो उसका ब्राइटनेस कम करेगा वो लाइट का। ब्राउन टिंट लगाया तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता है। ग्रीन टिंट ही नेचुरल कलर देता है, इट्स मोर एन इंफ्रारेड ऑब्जर्वर, ठीक है। ग्रे टिंट इट्स अ न्यूट्रल लेंस, ग्रे टिंट जो होता है ये न्यूट्रल लेंस है। न्यूट्रल लेंस मतलब ये ना हमारा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेगा, ना हमारा जो हम चीज देख रहे हैं वाइट है तो वाइट ही दिखनी है वो, ना कि वो कलर चेंज करेगा। जनरली दूसरे सनग्लासेस के टिंट में हम देखते हैं तो उसका वो कलर चेंज हो जाता है, कि कॉन्ट्रास्ट पीछे का चेंज हो जाता है, ग्रे में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट पॉपुलर फॉर द सनग्लासेस ग्रे टिंट। आप देखोगे कि हमारे शेल्फ में, हमारे स्टॉक में 100 सनग्लास हैं, तो 100 में से 80 या 70 सनग्लासेस आप देखोगे तो ग्रे टिंट में मिलेंगे। ग्रीन और G15 ये जो है ये रेबेन या फिर कोई ब्रांडेड सनग्लास में आपको मोस्ट ऑफ मिलेंगे, वरना ग्रे टिंट ये मोस्ट ऑफ सनग्लासेस में, अदर सनग्लासेस में मिलते हैं। Uh,
gradient even is of the transmission through full visible spectrum, allow color to be seen their natural state and relatively to one another. तो ग्रेडिएंट ये लाइट को पूरा अलग करता है स्पेक्ट्रम को, जो मैं अभी बात कर रहा था विजिबल स्पेक्ट्रम, लाइट में जो 7 कलर होते हैं सब कलर को पास करता है, इसलिए हमें नेचुरल न्यूट्रल लेंस होता है, नेचुरल विजन भी दिखता है, ना कि उसका बैकग्राउंड चेंज हो। येलो टिंट इट आल्सो कॉल्ड द एस्कलेट क्रोम्स, क्रोमियम ऑफ सल्फर ऑक्साइड, ये सब मटेरियल है, जो मटेरियल से ये लेंस बनता है और उसको वो कलर आता है। दो तीन तरीके से बनता है, एक होता है कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें वो मटेरियल डाला जाता है, या फिर उसको डाई बना के उसमें डीप किया जाता है तब जाके वो टिंट आता है। तो ये जो कहीं कहीं मैंने आपको मटेरियल के नाम दिए थे, वो मटेरियल जो है ये टिंट देता है लेंस को। आर यूज टू गिव येलो टिंट फिल्टर, सम टाइम यूरेनियम ऑक्साइड आल्सो यूज्ड, इट ऑब्जर्व शॉर्ट विजिबल वेवलेंथ। अभी शॉर्ट और लॉन्ग ये दो वेवलेंथ होती है हमारे लाइट के अंदर। दिस लेंसेस आर ट्रेडिशनली यूज फॉर शूटिंग पर्पस, अभी शूटिंग पर्पस के लिए यूज होता था येलो लेंसेस। आप देखोगे काफी जगह येलो लेंसेस, जैसे ब्राउन लेंस में मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि वो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता है, सो येलो टिंट अगर आप पहनोगे दिन में तो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते हो येलो, क्योंकि वो और ज्यादा ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं। इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में येलो टिंट रिकमेंडेड होता है, जिससे कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा होता है, विजिबिलिटी भी क्लियर होता है। सो शॉर्ट शूटिंग के लिए ये यूज होते हैं येलो टिंट।